गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका आपके अपने चैनल इंश्योर एग्जाम में स्वागत है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। आज हम लोग 1 मई से लेकर 15 मई तक का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 करके सारे करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास अजय वॉरियर के 7वें एडिशन का आयोजन 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अप्रैल को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया। कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अभिलाष टॉमी। कौन बने हैं? अभिलाष टॉमी। किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को। किसे? उत्तर प्रदेश राज्य को। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। आरबीआई ने किसे सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम है एन कामा कोडी। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो 30 अप्रैल को हम लोग आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। किसे आईएए का मेधावी सेवा पुरस्कार 2023 मिला है? तो नवाब मोहम्मद अब्दुल अली को। किसे मिला है? नवाब मोहम्मद अब्दुल अली को। किसने कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथकरघा हस्तशिल्प पोर्टल लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल ने। किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने। हम आते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? तो सिलवासा में। कहाँ पे? सिलवासा में। राजस्थान में कितने नवीन वन्य जीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी गई है? तो 3 नए वन्य जीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी गई है, जिनके नाम क्रमशः बारा के सोरसन, जोधपुर के खीचन और भीलवाड़ा के हमीरगढ़ को वन्य जीव संरक्षण जो है वो घोषित किया गया है। अब हम आते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एके मोहंती। कौन बने हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष? एके मोहंती। महाराष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो 1 मई को ही हम लोग महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस भी मनाते हैं। वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा? तो डिंग लिरेन, जो कि चीन से हैं। कौन है वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2023 का विजेता? डिंग लिरेन, जो कि चीन से हैं। अब हम आते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। थ्रिशूर पूरम उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो केरल राज्य में किया जाता है। थ्रिशूर पूरम उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? केरल राज्य में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 1 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं, जिसका थीम क्या है इस बार की 2023 का? एक्ट टुगेदर टू बिल्ड ए पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। हम आते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। सिंथन स्नो फेस्टिवल का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो श्री नारायण वाघुल के द्वारा रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक लिखी गई है। अब हम आते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव संतियागो पेना ने जीता है? तो पराग्वे देश के। पराग्वे देश के जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किसने जीता है? संतियागो पेना ने। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? जम्मू कश्मीर में। किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है? तो सर्जियो पेरेज ने। किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने। हम आते हैं अपने
नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ, फूड कॉन्क्लेव 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया, तो हैदराबाद में किया गया। भारत के किस शहर की मेट्रो सेवा ने कार्बन रिडक्शन श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जीता है, तो चेन्नई मेट्रो रेल सेवा ने जीता है। किसने जीता है? चेन्नई मेट्रो रेल सेवा ने। भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है, तो महाराष्ट्र राज्य में बनाई जा रही है। एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है, तो चीन सागर में किया जा रहा है। कहाँ पे? चीन सागर में किया जा रहा है। अब हम आते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। विश्व टूना दिवस कब मनाते हैं, तो 2 मई को हम लोग विश्व टूना दिवस मनाते हैं। ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी है, तो भारत है। कौन है? भारत है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला, तो साजू बाल कृष्णन ने। किसने संभाला? साजू बाल कृष्णन ने। अब हम आते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। रूसी लेखिका मारिया स्टेपानोवा को लिप्जिग पुक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, तो 3 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो लुका ब्रेसल ने। किसने जीता है? लुका ब्रेसल ने। फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन शीर्ष पर रहा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है, तो नॉर्वे जो है वो शीर्ष पर रहा है, और भारत का रैंक जो है वो 161 है 180 देशों में। अब हम आते हैं आगे की तरफ। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने NPCI के साथ सहयोग किया है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने। किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। अब हम आते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। हाल ही में मनोबला का निधन हो गया, वे कौन थे, तो वे एक अभिनेता थे। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला कौन बनी है, तो वंतिका अग्रवाल। कौन बनी है? वंतिका अग्रवाल। किस बैंक ऑफ बड़ौदा का किसे जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, तो देवदत्त चंद्र को बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। किसे हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा फेलोशिप से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो मीरा सयाल को। किसे? मीरा सयाल को। अब हम आते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो नीलोफर हमीदी को, इलाहे मोहम्मदी को और नरगिस मोहम्मदी को। इन तीनों को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया। किसे शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया, तो पंडित राम किशन को। किसे? पंडित राम किशन को मैन ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित किया गया। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अमिताभ कांत के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो अजय बंगा को। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अजय बंगा को। गीता कार्मिकुला बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ODF ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस जिला कौन सा बना है, तो वायनाड का केरल जिला बना है।
किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई? तो उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो कर्नाटक राज्य को दिया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी। अब हम आते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया? तो 4 मई को हम लोग कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाते हैं। किस देश की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता स्प्रिंटर टोरी बॉबी का निधन हुआ है? तो वो है अमेरिका की। कहाँ से बिलोंग करती हैं? अमेरिका से। वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। शंघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो है वो कहाँ किया जा रहा है? तो गोवा में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? गोवा में किया जा रहा है। सेक्रेट हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन द लेबरिंथ ऑफ लॉ किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो मनोज मिट्टा के द्वारा। किसके द्वारा? मनोज मिट्टा के द्वारा लिखी गई है। किसे 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया जाएगा? तो माइकल डगलस को सम्मानित किया जाएगा। किसे? माइकल डगलस को। विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग कहाँ शुरू होगा? तो दुबई में। कहाँ पे? दुबई में शुरू होगा। अब हम आते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। किसे कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पोलावरापू एम प्रसाद को। किसे? पोलावरापू एम प्रसाद को। किस देश ने अपना खुद का चैट GPT गीगा चैट लॉन्च किया है? तो रूस ने। किसने? रूस ने। अब हम आते हैं आगे की तरफ। किस भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक नियुक्त किया गया है? तो पी कृष्णा भट्ट को भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक नियुक्त किया गया। किस राज्य में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे पता चला है? मध्य प्रदेश में। किसे वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को। वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को। किस राज्य सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? तो जापान ने। हम आते हैं आगे की तरफ। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? तो असम में बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे कब मनाया गया? तो 6 मई को मनाया गया। MCC का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मार्क निकोलस को। MCC का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया? मार्क निकोलस को। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहाँ भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो मेघालय में। कहाँ किया है? मेघालय में। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2023 के जेवलिन थ्रो में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने 88.67 मीटर तक ये भाला को फेंका था। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य सरकार द्वारा चालू की गई है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा चालू की गई है। विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया? तो 7 मई को मनाया गया विश्व एथलेटिक दिवस। अब हम आते हैं आगे की तरफ। कोंद जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया? तो उड़ीसा राज्य में मनाया गया। RBI ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्प्रिंट की शुरुआत की है? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलकर। अब हम आते हैं
अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया? तो यमन के द्वारा इसको नाम दिया गया। किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? तो जूम कंपनी को। किसे? जूम कंपनी को। बुलंद भारत अभ्यास भारतीय सेना ने कहाँ आयोजित किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। किस बैंक ने अर्ध शहरी और ग्रामीण ग्राहकों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया है? तो HDFC बैंक ने। किसने? HDFC बैंक ने। भारत की वेट लिफ्टर बिंदया रानी देवी ने एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। हाल ही में किस संस्था द्वारा स्टार्ट नामक कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इसरो के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा शुरू किया गया। मैड्रिड ओपन खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो आर्यना सबलेंका के द्वारा। किसके द्वारा? आर्यना सबलेंका के द्वारा मैड्रिड ओपन खिताब जीता गया। राजस्थान के किस जिले में लिथियम के भंडार का पता चला है? तो नागौर जिले में। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो 8 मई को हम लोग विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में किया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो ललितपुर जिले में। कहाँ पे? ललितपुर जिले में। माई लाइफ एज ए कॉमरेड किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो KK सैलजा के द्वारा लिखी गई। किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? तो उत्तराखंड राज्य की पुलिस। किसने मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वेस्टेपन ने जीता है। किसने मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मैक्स वेस्टेपन ने। 42वां एशियन समिट का जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? तो इंडोनेशिया में किया जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। कौन है पहला राज्य जो कि डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया है बच्चों के लिए? उत्तर प्रदेश। अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो फरवर जमान को जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और नारूमोल चायवई को जो कि थाईलैंड से खिलाड़ी हैं। किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर जो है वो घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का जो मंदिर है वो घोषित किया गया। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो म्यांमार में। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का जो है संचालन शुरू किया है? तो वो म्यांमार में। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है? तो तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने। अब हम आते हैं आगे की तरफ। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो लियोनेल मेसी को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? लियोनेल मेसी को। किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। फिच रेटिंग्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है? तो 6% जो है वो रहने का अनुमान
है। तीसरी, G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो गोवा में शुरू हुई है। कहाँ पे? गोवा में। किस देश ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? तो जर्मनी ने। किस देश ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? तो जर्मनी ने। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। किसने राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है? तो श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका ने। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो 11 मई को। कब मनाया गया? 11 मई को। भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में चलाई जाएगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य में चलाई जाएगी। किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किया गया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। कौन? पंजाब। जगन्ना नकु चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। अब हम आते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का जो कहाँ पर आयोजित होगा? तो नई दिल्ली में आयोजित होगा। 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ढाका करेगा। कौन करेगा? ढाका। किस देश में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर आयोजित की जाएगी? दक्षिण कोरिया में। किसने ICC के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो मास्टर कार्ड ने। किसने लिए जगह? मास्टर कार्ड ने। पहला माइनिंग स्टार्टअप सम्मेलन कहाँ होगा? तो मुंबई में। सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। किसने? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। मोनलम चेनमो उत्सव का जो आयोजन है वो 11 मई से 16 मई तक कहाँ किया जा रहा है? तो लेह लद्दाख में। कहाँ पे? लेह लद्दाख में। लीगो इंडिया प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास है वो कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में। इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाया गया? तो 12 मई को हम लोग इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाते हैं। उसका थीम क्या है? आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो शारजहाँ UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, संयुक्त राज्य अमीरात में। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ को दिया गया यह पुरस्कार। किस शहर के हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है? वाराणसी को। इसे वाराणसी को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने। किस भारतीय अभिनेत्री ने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है? तो दीपिका पादुकोण ने। किसने फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया है? तो सुनील शेट्टी ने। IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो युजवेंद्र चहल। कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल।
किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को। किसे मिला है? जयंत विष्णु नार्लिकर को। किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कोच्ची बंदरगाह को। किस बंदरगाह को? कोच्ची बंदरगाह को। किसे ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो लिंडा याका रीनो को। किसे? लिंडा याका रीनो को। किसने IPL के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है? तो यशस्वी जय सवाल ने। किसने? यशस्वी जय सवाल ने। तीसरा सेमिकॉन इंडिया शो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? दिल्ली में लॉन्च किया गया है। हाल ही में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए अम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? आयुष्मान खुराना को। किसे शामिल किया गया है? आयुष्मान खुराना को। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने कहां पर 35वें कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का आयोजन किया है? अंडमान सागर में। कहां पे? अंडमान सागर में। किस कंपनी ने के बाल गोपालन को भारत का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो पुमा को। कहां पे? पुमा को, पुमा कंपनी। किस शहर में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा? तो तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम में। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है वो कब मनाया गया? 13 मई को। कब मनाया गया? 13 मई को मनाया गया। बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया। बहुउद्देशीय गजपति सिंचाई परियोजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने मंजूरी जो है वो प्रदान की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की? तेलंगाना ने। T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने हैं? तो राशिद खान। कौन बने हैं? राशिद खान। RBI ने लावारिस जमा से निपटने के लिए कितने दिनों का अभियान शुरू किया है? तो 100 दिनों का अभियान शुरू किया है। कितने दिनों का? 100 दिनों का। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा SCO के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो नई दिल्ली में। कहाँ की है? नई दिल्ली में। कौन भारत सहित 180 से अधिक देशों में अपने जेनरेटिव AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बार्ड को रोल आउट करेगा? गूगल। कौन? गूगल। कौन दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट बन गया है? तो GMR हैदराबाद एयरपोर्ट। हम आते हैं अपने अगले इंटरफेयर की तरफ। भारतीय जोड़ी दिव्या TS और सर्वजोत सिंह ने ISSF शॉटगन विश्व में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो SpaceX ने। किसने? SpaceX ने। इस प्रकार हमारा आज का 1 मई से लेकर 15 मई तक का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।